नमस्कार मेरे देश की जनता, मैं विशेष शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है शेयर वाले शर्मा जी। जी हां दोस्तों, ऐसा शो जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंफॉर्मेशनल टिप्स जो आपको बनाएंगी एक प्रो ट्रेडर या सुपर इन्वेस्टर। दोस्तों इस शो का मकसद ये है कि हम आपको वो पहला कदम उठाने में मदद करें जिससे कि आपको भागने में बाद में आसानी हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक नए मुद्दे के ऊपर। और दोस्तों उससे पहले एक और बात, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक प्लीज कर लो इसके लिए, क्योंकि आपको बार बार आके चेक करना नहीं पड़ेगा कि अरे एपिसोड आया क्या। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे के बारे में। और जानते हैं वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है कि क्या आपको कॉलेज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं। आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, करना चाहिए ना? मुझे भी ये लगता है। यही हमारा आज का मुद्दा कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है यूजुअली उसको देखा जाता है, अरे खेलो पियो खाओ ऐश करो, अभी तो जिंदगी बहुत लंबी है। मगर कभी सोचा है इस लंबी जिंदगी को और आसान बना सकते हो? और जो ये खेलो खाओ पियो ऐश करो वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो जिंदगी भर चला सकते हो। पता है कैसे? बस अपने थोड़े इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रख के। कैसे? बता रहा हूँ, सब्र रखो। तो क्या है भाभी जी, बात ऐसी है कि जब हम कॉलेज में होते हैं ना तो बहुत कम पॉकेट मनी मिलती है, 100, 200, 500। और लोगों के दिमाग में ऐसी धारणा बन चुकी है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये से शुरुआत करना पड़ेगा। वैसा नहीं है। आप आज की डेट में जीरो फी के साथ अकाउंट खुला सकते हैं, अपना डीमैट अकाउंट। और उसके बाद चाहिए ना, सच बोलूं आप लोगों को, आप 100 रुपए से भी शेयर मार्केट में आ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉलेज टाइम में यानी कि यंग एज में शुरुआत करने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं ना तो आपके ऊपर किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं होती कि बीवी बच्चों को पालना है, घर का राशन लाना है, या अगर आप एक लेडी हैं तो ऐसा नहीं होता कि अरे मुझे तो 10 कामों के लिए और पैसा चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप कॉलेज में हैं, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता किसी को 500,000 से कम मिलती होगी। उसमें से 200 रुपये भी अगर शेयर मार्केट में डालेंगे, सबसे बड़ा कि आपके लिए बहुत बड़ा लर्निंग है, बहुत बड़ा आपको वहां से मार्केट में जब आप शुरू करते हैं, शुरुआती गलतियां करेंगे ना तो आप उस टाइम अफोर्ड कर सकते हैं वो गलतियां करना, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती और वो कम खर्चे पे आपकी गलतियां होंगी वो जो आपको नया लर्निंग देंगी, जिनको आप धीरे 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 पॉलिश होते जाएंगे। और जब एक्चुअल अमाउंट के साथ यानी कि जब आप कमाने लगेंगे और तब आप मार्केट में जब अच्छा ज्यादा पैसा डालेंगे, तब तक आप इतने पॉलिश हो चुके होंगे कि आपका वो गलतियों का स्कोप लिमिटेड होता जाएगा। और दूसरा एक फायदा क्या होता है कि जब हम कमाना शुरू करते हैं और उसके बाद हम प्लान करते हैं ये अमाउंट मैं बचाऊंगा अपने गाड़ी के लिए, ये अमाउंट मैं बचाऊंगा अपने घर के लिए, ये अमाउंट मैं बचाऊंगा अपने हॉलीडे के लिए, तो उस टाइम तक आप ऑलरेडी एक एज क्रॉस कर चुके होते हैं। बट अगर आप कॉलेज टाइम से ही थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि इतना, जब तक आप एक्चुअल अर्निंग लाइफ में आएंगे, अर्निंग लाइफ साइकिल में आएंगे, आपके पास एक बेस तैयार हो चुका होगा आपकी सेविंग्स का। है ना ये फायदे का सौदा? रुको, अभी और भी हैं। इसके अलावा क्या होता है ना कि जब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं तो आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और आपका माइंड जो होता है वो लर्निंग स्टेज में होता है, तो आपको चीजें बहुत जल्दी समझ आती हैं और आपका फोकस बना रहता है मार्केट के ऊपर। जैसे मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, अरे मार्केट में कैसे आए, टाइम नहीं है, ऑफिस जाना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, हम मार्केट में कब आए, मार्केट में तो टाइम देना पड़ता है। ये सारा टाइम अगर आप कॉलेज लाइफ में दे देंगे ना
तो यकीन मानिए डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट देने पड़ेंगे मार्केट में, वो भी सिर्फ स्टॉक प्लेस करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, दैट्स इट। तो अब बात करते हैं कि कैसे करेंगे। तो करेंगे ऐसे, चार पॉइंट्स हैं, सिर्फ चार पॉइंट्स, इनका ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करना है। जैसा कि मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि आपको 1,000, 10,000, 20,000, 100 रुपये, 100 रुपये से भी आप शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर हर महीने आप थोड़ा थोड़ा 100-100 रुपये भी डालेंगे ना, तो वो भी यकीन मानिए बहुत है। आपको लग रहा होगा, अरे 100 रुपये से क्या होगा, बूंद बूंद से सागर बनता है मेरे दोस्त, तो 100 रुपये से ही बहुत होगा, शुरुआत करके तो देखिए। दूसरी चीज़ है, क्योंकि हम कॉलेज में होते हैं, हमारे पास पढ़ाई के अलावा कुछ और ज़्यादा होता नहीं करने को, तो ऐसे में आपके पास थोड़ा टाइम होता है जो आप मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। तो उस टाइम में जो टाइम आपके पास मिलता है, आप उस टाइम में पढ़िए, मार्केट को समझने की कोशिश करिए, देखिए कि कैसे स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स किस तरीके की स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, वो सब चीज़ के ऊपर आप करिए काम। और दोस्तों, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब आप एज ए स्टूडेंट मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो आप इंश्योर करिए कितना रिस्क आप लेना चाह रहे हैं। वो सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप एकदम एक्सट्रीम रिस्क लेना चाहेंगे, मीडियम रिस्क लेना चाहेंगे, या एक्सट्रीम लो रिस्क लेना चाहेंगे। उससे क्या होता है कि आपका एक स्ट्रैटेजी, भले ही आप ट्रेडिंग करना चाहें मार्केट में या इन्वेस्टमेंट करना चाहें, एक स्ट्रैटेजी बन जाता है आपको, और आपको एक बड़ा फोकस तरीके से चीज़ों को करने का एक एक नज़रिया मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बात की, सबसे पहले आपको सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है, दूसरा मैंने बात की टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तीसरा मैंने बात की रिस्क, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, वो है असिस्टेंस। कॉलेज लाइफ में है, आपको जो है बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये एक्सेप्ट करने में कि मुझे कुछ नहीं आता, और जब कुछ नहीं आता तो सिखाने के लिए हम हैं ना। दोस्तों, हमारा एक प्लेटफॉर्म है स्मार्ट मनी, जहाँ पे बहुत अमेजिंग कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, विच इज़ अ प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए तो मोस्ट वेलकम, अगर आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर भी हैं तो आप लोगों के लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं। वहाँ पे आप पढ़िए, उनसे असिस्टेंस लीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स हैं एंजल ब्रोकिंग के, रिसर्च एनालिस्ट वगैरह, आप उनसे भी टच में आ सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोलूँगा एक लेसन है, जो मैंने भी मेरी लाइफ में किया था, और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी करेंगे। जीवन में जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए, क्योंकि यकीन मानिए ये जो शुरुआती दौर की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, यही आपको आगे ले जाके बहुत बड़े बड़े फायदे देंगे। कैसा लगा? अच्छा लगा ना आज का एपिसोड? मुझे भी मज़ा आया इस बारे में बात करके, क्योंकि ये हमारे ऑडियंस की तरफ से सवाल आया था। आपके दिमाग में और कोई भी सवाल है, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन, क्वेरी, एनीथिंग, प्लीज़ राइट टू मी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, वादा है आपसे। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। पूरी उम्मीद है आप अपना ध्यान रखेंगे, बाहर निकलने के वक्त मास्क ज़रूर पहनेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे बुलिश। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.